डोसा का मार्केट काफ़ी सही है भाई, चार पांच डोसा पीछे दिया है, एक और बना रहा हूँ। भैया लोग आए हैं, अरे तो भाई स्पेशल पोहा हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय डेली लाइफ स्टाइल ब्लॉग। और मैं आप लोगों का छोटा भाई मिस्टर एच के सोनी, तो बड़ों को प्रणाम, छोटों को हेलो। तो दोस्तों फिलहाल मैं निकल रहा हूँ अभी बाजार करने के लिए, टाइमिंग 5:30 के आसपास हो गया है और मैं लगभग एक डेढ़ घंटा के मतलब ऐसे मोबाइल चलाते चलाते भाई सो गया था, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरे को लेट हो गया, 5:30 बज गया है और मेरे पास आधा घंटा टाइम है। आधे घंटे में मेरे को किराने दुकान सामान भी लेना है, बाजार भी करना है, उसके बाद घर आके सामान रखे, उसके बाद फटाक से निकलना है जिम के लिए, क्योंकि जिम भी जरूरी है भाई। जिम जाओ, समझ रहे हो ना आप लोग, जरूरी है यार सेहत के लिए भाई। मेरे को ना पता चल रहा है भाई कितना पेट निकला था, कितना अंदर गया, लेकिन अब लगता है ना भाई जिम जो है ना भाई काफ़ी सही। आप लोगों से ना मैक्सिमम लोग जो भी मतलब मोटे हो या कुछ भी हो, तो जिम काफ़ी सही है भाई आपके हेल्थ के लिए, अपने आप के लिए, ठीक है। मतलब एक दिन में 1-2 घंटे भी अपने शरीर के लिए नहीं निकाल रहे हैं तो दिक्कत ही है ना भाई, ठीक है। और देखो यार आज के वीडियो को लाइक एम भी वही 600-800 रहेगा भाई, आप लोग कर देना यार, ठीक है। और भाई आप लोग जो भी मेरे चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कॉमेंट करके बताना कि आपको छोटे भाई की वीडियो कैसी लगी है। चलिए निकलते हैं फटाखे। गाड़ी मेरा यहाँ मस्त नीचे में छाया पर खड़ा था। हाँ माँ, 7,000 सब्सक्राइबर मैं इंतजार करूं कब होगा। अरे बस 1-2 दिन के अंदर 7,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप कुछ स्पेशल रहेगा 7,000 में या फिर 8,000 में? कुछ रहेगा का रहेगा, मेरे लिए तो साड़ी ला देना बस। हां साड़ी ला देना मेरे लिए तो बस। हां ठीक है फिर चलो कोई ना, चलो भाई फिर निकलते हैं। माँ का विश तो आप लोगों ने सुन ही लिया है, और छोटे बड़े को देखो देखो देख रहे हो आप लोग, मस्ती चल रहा हम लोगों का। तो फाइनली पहुंच गया मैं दुकान में, मतलब अभी बाहर अंदर जाऊंगा। ठीक है, राधे 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 राधे। पोहा दे दीजिए, आ गया होगा पोहा आपके पास तो, सामान वगैरह 4 किलो और बाकी का सामान भी फटाफट से निकलवा दीजिए। ऐसा वाला नहीं है, ये जो बंटी में का दुकान है ना, पहले नॉर्मली था बम्पर सिस्टम है, मतलब आप घुस के भी सामान निकाल सकते हो अगर आपके पास टाइम है और क्या क्या है, मतलब कुछ ऐसा चीज़ जो आपको समझ लेना है और इनकी दुकान में हो तो आप लोग निकाल सकते हो ऐसे भी और वैसे भी। तो मैं थोड़ा सा टहलने के लिए निकल लेता हूँ, मतलब अंदर घुसते रहता हूँ मैं, ऐसा नहीं जो भी मन करे। जैसे कि मेरे कहते हैं सिंपल का साधन जो कि दिख नहीं रहा है कि मैं निकालूँ। भाई साहब सामान निकलना चालू हो गया मेरा, और सेमी वगैरह छांट लेता हूँ भाई, सब्जी में ही एक तो दिख रहा है मेरे को, बाकी तो जाते रहता है सेमी वगैरह, नया सब्जी में यही है।
आज ना बाकी दिन के अपेक्षा थोड़ा सा पोहा कम लेके आए, देखते हैं आज का कैसा रहता है हमारे यहाँ। और भाई इडली ना आज का ना एकदम सॉफ्ट हो रहा है यार, एकदम सॉफ्ट भाई, एकदम सॉफ्ट। धीरे धीरे नॉलेज होते जा रहा है, ऊपर का निकाल दिया, ज़्यादा फुल हो गया था ना इसके चक्कर में। ये रहेगा सादा पोहा, क्योंकि भैया चना का सब्जी नहीं खाएंगे। मैं हल्का प्याज डाल देता हूँ, नींबू भी नहीं, नींबू भी नहीं रहेगा, सादा रहेगा पूरा पूरा सादा। ले लीजिए पोहा है, इसमें कुछ अनार के दाने भी हैं भाई, ये चना का सब्जी हो गया। ये वो नहीं रहेगा, नींबू नहीं रहेगा ना, ये ले जाओ। पोहा बनना चालू हो गया भाई, क्या देना आपको पोहा? डोसा का मार्केट काफी सही है भाई, चार पांच डोसा पीछे दिया है, एक और बना रहा हूँ। कभी कभी ठीक रहता है भाई, कभी भी मार्केट नहीं रहता, अगर जम जाएगा तो सही रहेगा, नहीं रहेगा तो कुछ चेंज करेंगे, मतलब दुकान ही रहेगा, कुछ कुछ चीज़ें चेंज नहीं करनी। प्लेट को मत फेंकेगा ना, उसी में देना है ना। मार्केट ठीक लग रहा है, 10 रुपये चल इडली, काफ़ी सारे बच गए हैं, मतलब अभी 9:30 बजे के बाद मेरा इडली निकलना चाहिए। चना सब्जी सुबह टाइम ना कुछ लोग आते हैं, बच्चे लोग स्कूल जाते थे तो उसमें टिफिन में बहुत लोग पोहा लेके जाते हैं और बहुत लोग इडली भी लेके जाते हैं। यहाँ यार सही है भाई, काफ़ी सही है, स्कूल के बच्चे उनका भी काफ़ी भीड़ लगा हुआ रहता है। और अभी 9:30 बजे के बाद फिर से मेरे दुकान में भीड़ लगना चालू होगी, 9:30 बजे के बाद भी इडली वगैरह ज़्यादा निकलता है, सबसे पहले सिर्फ पोहा पोहा पोहा। बहुत लोगों का कहना है डोसा बच्चे डोसा भी कहना डिलीवरी चालू करें, कहना दोनों तो पता लगा के डिलीवरी चालू कर दूँगा, चाय हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। आप लोग कॉमेंट करके बताना क्या सही रहेगा। ये दूसरे के ब्रेड पकौड़ा, ये आलू गुंडे, आलू बड़े अजय बोलते ना भाई ट्रेन में, और ये ब्रेड पकौड़ा इधर पूरी निकाले भैया, वाह वाह वाह। चाय भी है, अच्छा चाय गर्म कर रहे हैं, इधर समोसा का तैयारी चल रहा है। पहले दुकान उधर लगा था, अभी यहाँ लगा लिया हूँ, यहाँ पर टेम्पो करने लगता है और ज़्यादा नहीं कुछ बचा है मेरे पास, मात्र 20 पीस में इडली बनाया था जिसमें से 10 पीस निकल चुका है, 10 पीस मेरे पास इडली और बचा हुआ है, 10-12 पीस बचा हुआ है भाई, बाकी टोटली सामान कुछ भी नहीं बचा है। पूरा का पूरा सामान मेरे देखो यार, पूरा फैला हुआ है इधर उधर, बस ये इडली लास्ट बचा है 12 पीस। उसके बाद वो मैं खाली पूरा निकलूँ और घर, मार्केट तगड़ा रहा आज का, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और दोस्तों बस यही 10 पीस के आसपास मेरे पास जो इडली बचा है वो बचा हुआ है, बाकी ना टोटली सामान पूरी हो गया है, भैया लोग आए हैं से जा रहे हैं। अरे एक दो भाई और आने वाले हैं जो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं, कॉल किए थे, बाकी लगभग सामान पूरी हो गया है, 10 के आसपास हो रहा है। कपड़ा में से निकाल ले रहा हूँ, और इडली एक नंबर का शॉप है, आ गया हूँ भाई गोदाम के पास, सामान वगैरह रखेंगे और निकलेंगे घर की तरफ, एक दिक्कत हो गया रबड़ नहीं रहा हूँ गैस ले जाने के लिए घर, लेकिन खाना मम्मी सुबह ही बना ली थी तो उसका लोचा नहीं है मेरे को ज़्यादा। ओ भाई साहब क्या हाल चाल चाचा, आपके भाई साहब आगे तबीयत सही है ना उनका चाचा का? नहीं नहीं ठीक है, ठीक है ना, रात फिर बुखार चल गया है उनको। हाँ अच्छा, कल आए हैं? हाँ कल शाम के आए हैं। हाँ कल चढ़ा, कल बुखार चढ़ा दिया और फिर बुखार चल गया, पर बुखार छोड़ा नहीं रहा, छोड़ नहीं रहा। हाँ चलो सामान वगैरह रखते हैं भाई, सामान वगैरह पूरा कम्प्लीट लदा गया भाई, रख लिया है, चलो निकलते हैं हम लोग घर की तरफ।
500, 600, 700, 800, 900, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ठीक है, ये लगाया था और 500 रुपये फोन पे में, तो आज मेरा 500 रुपये के आसपास टोटली बचा है भाई, बहुत दिन के बाद, नहीं तो 200, 300, 100 रुपये। और दो तीन दिन तो ऐसे हुआ ना कि मेरे 1400, 1500 रुपये लगाया, लेकिन 1200 रुपये बेच के आया। और दुकान थोड़ा अभी टाइम लगेगा भाई, तुरंत तो नहीं जमेगा, लेकिन एक दिक्कत और है, अभी जैसे ही दुर्गा पूजा है ना आएगा तो बहुत लोग उपवास वगैरह रहते हैं, ठीक है, तो मार्केट रहेगा नहीं रहेगा उसको नहीं पता, देखते हैं भाई जैसा है। अगर लोचा होगा ना तो पीछे में मैं दुकान लगा लूंगा, बाकी आप लोगों को सपोर्ट पहले इसी तरीके से बनाए रखिएगा। 7000 सब्सक्राइबर आप लोगों के प्यार सपोर्ट से बहुत जल्दी हो जाएगा, उसके बाद 8000 सब्सक्राइबर की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, बस ऐसी प्यार बनाए रखना है। अब मिलते हैं हम लोग फिलहाल में अगले वीडियो पे, लाया हूँ संतरा, जा रहा हूँ बैठ के खाऊंगा।